रविंद्र कौशिक, नाम तो सुना ही होगा। शक्ल बदलने में माहिर रविंद्र कौशिक उर्फ नवी अहमद शाकिर। नहीं सुना तो चलो हम सुनाते हैं। श्री गंगानगर में हिंदू पंडित के घर पैदा हुआ बालक, जिसका नाम रखा गया रविंद्र। रविंद्र नाटक एक्टिंग करने का बड़ा शौकीन था। उसको रूप बदल कर बहरूपिया बनने में महारत हासिल थी। लेकिन इस होनहार कलाकार की किस्मत भी भगवान ने कुछ अलग ही लिख रखी थी। हुआ यूं कि रविंद्र की एक्टिंग देखकर लखनऊ के एक सेठ ने रविंद्र को लखनऊ बुलाया, जहां उन्होंने देश प्रेम का रोल अदा किया। उस किरदार में रविंद्र भारतीय सैनिक बने थे। लोगों को ये एक्टिंग बिल्कुल सच की तरह लग रही थी। उसी भीड़ में एक रॉ अधिकारी ये नाटक देख रहा था। उसने रविंद्र को कहा कि मेरे लिए काम करोगे? उसने रविंद्र को काम नहीं बताया, पर इतना कहा कि बहरूपिया बनकर मुसलमान की एक्टिंग करनी पड़ेगी। रविंद्र ने कहा, क्यों नहीं। रविंद्र के हामी भरने के बाद रॉ द्वारा उसको गुप्त स्थान पर ले जाया गया। फिर रविंद्र की 2 साल तक ट्रेनिंग चली, और ये भी देखा गया कि रविंद्र के अंदर देश प्रेम और धर्म के प्रति कितनी आस्था है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मुस्लिम देश में कोई एजेंट पकड़ा जाए तो वो किस हद तक मुंह खोल सकता है। रविंद्र हर परीक्षा में पास हुआ। रविंद्र ने रॉ के अधिकारियों को खुश कर दिया था। आखिर में रविंद्र के इम्तिहान का दिन आ गया। रॉ के एक बड़े अधिकारी ने रविंद्र को बोला कि पाकिस्तान जाओगे? रविंद्र ने कहा, हाँ, आपका जैसा आदेश। रॉ के एजेंट ने कहा कि तुम जासूस बनकर पाकिस्तान जाओगे, मर गए तो तुम जानो और तुम्हारा काम। रविंद्र ने कहा, मुझे खुद पर भरोसा है। रूप बदलने की कला को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। इतना ही रॉ के अधिकारियों को सुनना था। फिर रविंद्र का बाकायदा खतना करवाया गया। उसे दिन में 5 बार मुस्लिम की तरह नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दी गई। उसको पूरा मुसलमान बनाया गया। उसको उर्दू सिखाई गई। उसको कुछ दिन मुसलमानों के साथ रखा गया। उसको कहा गया कि उसके बारे में किसी को मत बताना, यहां तक कि अपने घर में अपनी माँ को भी मत बताना, और तुम्हारे घर में काम के बदले पैसे हम पहुंचा दिया करेंगे। तो रविंद्र ने अपने घर पर यही बताया कि उसकी दुबई में नौकरी लग गई है और वो दुबई में ही रहकर कमाएगा और उनके पास पैसे भेजेगा। परिवार ने राजी राजी खुशी उसे विदा कर दिया। फिर उनको भारतीय सेना द्वारा सीमा पार करवा के पाकिस्तान भेजा गया, जहां अब रविंद्र को अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी। रविंद्र ने पाकिस्तान जाकर सबसे पहले अपना शिनाख्ती कार्ड बनवाया और कराची के एक कॉलेज में LLB डिग्री ले ली। फिर एक दिन अखबार में रविंद्र ने पाकिस्तानी सेना का इश्तिहार देखा। कहा जाता है कि रविंद्र उर्फ नवी अहमद शाकिर ने पाकिस्तानी सेना को अपने काम से इतना खुश कर दिया था कि सेना में वो मेजर के पद तक पहुंच गए थे। पाकिस्तान में मेजर का पद काफी ओहदा रखता है। और अंत में उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी चकीवर शेख की बेटी फातिमा से शादी कर ली। फातिमा से रविंद्र दिल से प्यार करते थे, पर रविंद्र ने फातिमा को कभी नहीं बताया कि वो उसके देश की जासूसी कर रहा है और वो भारतीय हिंदू है और मुसलमान बनकर उससे शादी की। वो भारत को पाकिस्तान से कई महत्वपूर्ण सूचनाएं भेज रहा था। इधर रॉ के अधिकारी खुश और पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना उसके काम से खुश। सब बढ़िया चल रहा था, पर कांग्रेस की सरकार से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। हुआ यूं कि कांग्रेस की सरकार चाहती थी कि रविंद्र की सहायता के लिए एक और आदमी पाकिस्तान भेजा जाए। रविंद्र से इस बारे में जब पूछा गया तो रविंद्र ने कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काम कर लूंगा। और कांग्रेस सरकार के दबाव में रविंद्र को हामी भरनी पड़ी। फिर एक और रॉ के एजेंट को तैयार करके पाकिस्तान रवाना किया गया। उसने भारत बॉर्डर तो पार कर लिया, पर रुक गया एक होटल पर चाय पीने, जहां कुछ पाकिस्तानी सैनिक पहले से ही बैठे थे। उन सैनिकों को इस एजेंट की बोलचाल से शक हो गया। सैनिकों ने उस एजेंट को पकड़ लिया और पूछा कि कौन हो तुम? उस मूर्ख एजेंट ने बोला कि मैं भारत से आया हूं मेरे दोस्त से मिलने, पर समय ही खराब था। उनमें से एक ने कहा, बुला कौन है तेरा दोस्त, नहीं तो गोली मार दूंगा। इतना सुनते ही वो रॉ का एजेंट शुरू हो गया और बोला कि मैं रॉ का एजेंट हूं, यहां पर मौजूद पहले से ही रॉ के एजेंट की मदद करने आया हूं, और जो आपके सेना में मेजर है जिसने हिंदू होते हुए भी मुस्लिम लड़की से शादी की, ये सब उसने बोल दिया। पाकिस्तानी सेना एकदम हक्का बक्का रह गई। सेना के एक सैनिक ने कहा, तुम उससे कहां पर मिलने वाले थे? उससे उसी प्लान के मुताबिक मिलो, पर उसे शक नहीं होना चाहिए। प्लान के मुताबिक सुबह उसने रविंद्र को जिन्ना उद्यान में बुलाया। रविंद्र समय पर पहुंच गया। दोनों ने हाथ मिलाया। पहले से ताक में बैठे पाक सैनिकों ने रविंद्र को दबोच लिया। खैर, रविंद्र को डाल दिया गया पाकिस्तान की अंडरग्राउंड जेल में, जहां न सूरज की रोशनी थी न चांद की ठंडक थी, थी तो बस गुमनामी।
कहते हैं रविंदर को उस बैरक में 12 दिनों तक बिना खाने के रखा। रविंदर के लिए जेल की बैरक के ऊपर से पानी डाला जाता था, उतना ही जीना कि वो जीवित रह सके। रविंदर जेल में चाट चाट कर पानी पीते थे। 12 दिन बाद रविंदर को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। पर पाकिस्तान की कुछ मानवाधिकार वाली संस्थाओं ने इस फांसी को उम्र कैद में तब्दील करवा दिया। रविंद्र को 12 दिन तक उस गुप्त बंद कमरे में रखने से रविंद्र को हृदय की बीमारी हो गई, जिसका न तो पाकिस्तान की जेल ने इलाज करवाया और न ही उन्होंने इसका हाल जानना चाहा। रविंद्र को अब रोज सुबह से शाम तक खाने में पिटाई, भयंकर पिटाई के अलावा कुछ नहीं मिलता था। इस बीच रविंद्र अपने घर पर खत भी लिखा करता था, जो आज भी उसके घर पर मौजूद है, जिसमें रविंद्र लिखा करता था कि मैं कोई दुबई वुबई कमाने नहीं गया, मैं जासूसी करने पाकिस्तान गया हूँ, जहां मुझे भारत सरकार की गलती के कारण धर लिया गया है। मैं भारत सरकार के लिए इस पराए मुल्क के लिए आया, मैंने उसको जानकारियां दी, मैंने उनको सन 71 के युद्ध को जीतने में बहुत सहायता की। इंदिरा गांधी ने मुझे ब्लैक टाइगर की उपाधि दी, अब मुझे टीवी और हृदय रोग हो गया है, जिसका इलाज इस मुल्क में नहीं है, मुझे बचा लो, मैं भारत की जमीन पर मरना चाहता हूँ। रविंद्र के पिता बार बार भारत के नेताओं से मिलते रहे। नेताओं ने इतना ही कहा कि उसने एग्रीमेंट साइन किया है कि पकड़ा गया तो उसकी कोई सहायता नहीं होगी। और अंत में 2001 में पाकिस्तानी टॉर्चर सहते सहते रविंदर ने पाकिस्तान की जेल में प्राण त्याग दिए। भारत सरकार ने रविंदर का शव लेने से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान की निजता भी गजब है, उन लोगों ने रविंदर का शव कचरे के साथ जला दिया। कहा जाता है कि रविंदर की मुस्लिम पत्नी भी उससे मिलने एक बार जेल आई थी। उसने बस यही पूछा था कि क्यों किया मेरे साथ ऐसा। रविंद्र का जवाब था, मेरे देश के लिए। फिर वो उससे मिलने कभी नहीं आई। रविंद्र और उस मुस्लिम महिला का एक बेटा भी है, जो पाकिस्तान में ही रहता है। रविंद्र इतना महान रूप बदलू था कि वो पाकिस्तानी फौज में मेजर रहते हुए 5 बार अपने परिवार से मिलने आया था, और ऐसे छुट्टियां बिताई जैसे कोई भारतीय फौजी अपने घर पर छुट्टियां बिताने आता हो। पर कभी पाकिस्तान को उस पर शक नहीं हुआ, बस कांग्रेस सरकार की एक छोटी सी गलती रविंद्र को ले डूबी। तो ऐसे महान वीरों के लिए एक शेर तो बनता है दोस्तों, भारत माँ के सच्चे सपूत को मेरा दिल से सलाम, भारत माता की जय, धन्यवाद।